नरसिंहपुर में बुधवार को दो विधानसभा क्षेत्र में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित कर नरसिंहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी लाखन पटेल और गाडरवारा प्रत्याशी सुनीता पटेल के लिए जनता से वोट मांगा। कमलनाथ ने ये कहा कि नौजवानों का जोश देखकर खून बढ़ जाता है, नौजवानों में अपनी सोच है, आज का भटकता नौजवान सबसे बड़ी चुनौती, ठोकर खाना नहीं चाहता, लेकिन मोदी शिवराज ने नौजवानों के साथ धोखा किया। कमलनाथ ने मोदी के तमाम विकास के दावों को झूठा बताया तो शिवराज को इंदौर में हुए बिजनेस मीट को लेकर तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि शिवराज 2 करोड़ महीने के विज्ञापन में अखबारों में अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन राज्य की जो हालत है वो इतर है, यहाँ किसान व्यापारी मजदूर सब परेशान है। कमलनाथ ने ये कहा कि शिवराज खुद को किसान का बेटा बताते हैं लेकिन किसानों का अपमान करते हैं, यही नहीं वो महिलाओं से ये कहते हैं कि मैं आपका मामा हूँ, लेकिन रेप में राज्य नंबर 1 है। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम अपने पार्टी में बता दीजिए, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये कहते थे हम नर्मदा साफ करेंगे, गंगा साफ करेंगे, 600 करोड़ रुपए इन्होंने वृक्षारोपण के लिए लगाए, 600 करोड़ रुपए खा गए नर्मदा के नाम पर। कांग्रेस ने आजादी दिलाई और डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। पहले तो हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से।